हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे चैप्टर है डिटी एंड एवोल्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में। आज हम एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट के डिफरेंसेस देखेंगे और उसके बाद डार्विनिज्म द फादर ऑफ इवोल्यूशन इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड मतलब जो हम एक्वायर करते हैं, और इनहेरिटेड ट्रेट जो हमें पेरेंट्स से ट्रेट्स मिलते हैं। ओरिजन, दे डेवलप ड्यू टू एफर्ट ऑफ एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट में अनुकूलन के लिए हम जो ट्रेट्स डेवलप करते हैं उन्हें बोलते हैं एक्वायर। मतलब इनका ओरिजन होता है ड्यू टू एनवायरमेंट। दे डेवलप ड्यू टू म्यूटेशन एंड ट्रांसफर ऑफ जीन। जो इनहेरिटेड ट्रेट है वो म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन मतलब अचानक होने वाले परिवर्तन जो जीन में चेंजेस होने की वजह से हो जाते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट की नेचर क्या होती है? दे आर सोमेटिक, मतलब ये देहिक होते हैं, ये देहिक होते हैं। जबकि जो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, मतलब ये ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ। नंबर 3, डेवलपमेंट। एक्वायर्ड ट्रेट डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारी लाइफ टाइम के दौरान ये ही एक्वायर्ड ट्रेट डेवलप होते हैं, जबकि जो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं वो हम पेरेंट्स से गेट करते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट आर गॉट फ्रॉम द पेरेंट्स। नंबर 4 पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट हैज नो रूल इन डेवलपमेंट ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक्वायर्ड ट्रेट में कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। जबकि जो इनहेरिटेड ट्रेट है, दे आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि इनहेरिटेड ट्रेट पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसमिट होते हैं थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका फेट क्या होता है? 0.5, दे आर लॉस्ट विद द डेथ ऑफ इंडिविजुअल। जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं इंडिविजुअल की डेथ के साथ ही लॉस्ट हो जाते हैं, जबकि जो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं दे आर नॉट लॉस्ट। एक्वायर्ड ट्रेट का एग्जाम्पल है जैसे प्लेइंग गिटार है, रीडिंग है, राइडिंग है, ये सब क्या है? ये एक्वायर्ड ट्रेट के एग्जाम्पल हैं। जबकि इनहेरिटेड ट्रेट का कर्ली एंड स्ट्रेट हेयर। अब हम पढ़ते हैं डार्विनिज्म के बारे में। डार्विन जो एक नेचुरलिस्ट थे, ये एक प्रकृतिवादी साइंटिस्ट थे और इन्हें फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। इन्होंने जो ब्रिटिश लड़ाकू जहाज था ना बीगल, उस पे दुनिया की समुद्री यात्रा की थी, और उसी दौरान उन्होंने बहुत सारी चिड़ियाओं का अध्ययन किया था और उस पर उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो एक बहुत ही फेमस बुक है। और डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर सिलेक्टेड दो ऑर्गेनिज्म डेट हैव फीचर फेवरेबल टू देयर सर्वाइवल एंड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस कंटिन्यू ओवर सक्सेसिव जनरेशन, अल्टीमेटली लीड टू इवोल्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्म। द बेसिक फीचर ऑफ द थ्योरी आर। इन्होंने कहा था कि जो नेचर है सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करती है जो बेटर एडेप्टेशन करते हैं अपने बदलते हुए एनवायरमेंट के प्रति। उसके लिए उनमें ओवर प्रोडक्शन होती है, मतलब अपनी जाति को बचाए रखने के लिए उनमें ओवर प्रोडक्शन होती है, मतलब वो बहुत सारे बच्चे देते हैं, बहुत सारे अंडे देते हैं। ऑर्गेनिज्म हैव हाई बायोटिक पोटेंशियल एंड प्रोड्यूस वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। मतलब बहुत संख्या में वो बच्चे देते हैं ताकि वो अपनी जाति को बचाए रखें, लेकिन उनमें स्ट्रगल होता है प्लेस के लिए, फूड के लिए। अगर ऐसा ना हो ना, तो सिर्फ एक ही जाति, सिर्फ एक ही स्पीसीज इतना ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही वो दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन उनमें स्ट्रगल होता है सर्वाइव के लिए, और जो बेटर एडप्ट कर पाते हैं सिर्फ वो ही जिंदा रहते हैं। मतलब जो नेचर है ना सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करती है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। लिमिटेशन, देर इज नो इंक्रीज नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एनी पॉपुलेशन ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ फूड एंड स्पेस। यही वजह है किसी भी जाति की पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाती, लगभग वो लिमिट रहती है, क्योंकि जो फूड और स्पेस है ना उसकी तो लिमिटेशन है ना, वो जो फूड और स्पेस है उसकी लिमिटेशन को बनाए रखते हैं, और जो बेटर एडेप्टेशन करते हैं सिर्फ वो जिंदा रहते हैं, बाकी जो है खत्म हो जाते हैं। जैसे जो मेसोजोइक एरा में बहुत सारे रेप्टाइल्स थे जैसे डायनासोर वगैरह ना,
बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे, लेकिन वो ज्यादातर क्या थे, हर्बीवोर्स थे, शाकाहारी थे। लेकिन बदलते हुए एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स वगैरह थी, घास वगैरह थे, वो खत्म होने लगे और वो अपने आप को बेटर एडेप्ट नहीं कर पाए। वो ना तो मांसाहारी बन पाए और ना ही अपने बड़े साइज को कम कर पाए, इसीलिए वो खत्म हो गए। नंबर 3 पॉइंट है स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। ए स्ट्रगल इंश्योर अमंग्स द मेंबर ऑफ स्पीसीज टू ऑब्टेन ऑप्टिमम रिसोर्सेज। एक मेंबर में अपनी जाति या दूसरी जाति के बीच में फूड और स्पेस के लिए स्ट्रगल होता है, और जो इसमें जीत जाते हैं वो सर्वाइव करते हैं, बाकी खत्म हो जाते हैं। वेरिएशन, बदलते हुए एनवायरनमेंट के अनुकूल कुछ वेरिएशन डेवलप हो जाती हैं, और जो वेरिएशन बदलते हुए एनवायरनमेंट के प्रति अनुकूल होती हैं, मतलब उसके फेवर में होती हैं, वो तो स्पीसी सर्वाइव कर जाती हैं, बाकी ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए ये वेरिएशन है ना, वो डेवलप होती रहती हैं और एक टाइम के बाद एक नई स्पीसीज बन जाती है। नेचुरल सिलेक्शन, नंबर 5th पॉइंट, ओनली दोज इंडिविजुअल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस विच हैव वेरिएशन यूजफुल इन द स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। मतलब नेचर सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करती है जो अपने आप में ऐसे वेरिएशन डेवलप कर लेते हैं जो एनवायरनमेंट के प्रति अनुकूल हो, मतलब बदलते हुए एनवायरनमेंट के अनुसार हो, वो ही जाति सर्वाइव करती है, वो ही इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं। तो ये थी थ्योरी डार्विन की, जो उन्होंने दी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन 1859 में, बुक लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और जिस जहाज पर उन्होंने यात्रा की थी उसका नाम था बीगल। ओके, इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। वेरिएशन इज यूजफुल टू द इंडिविजुअल इन द स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। मोर वेरिएशन एक्यूमुलेट इन द नेक्स्ट जनरेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन आफ्टर न्यूमरस जनरेशन प्रोड्यूस ए न्यू स्पीसीज। वो वेरिएशन इतनी सारी इकट्ठी हो जाती है, एक न्यू स्पीसीज ही बन जाती है, ठीक है, इन वेरिएशन की वजह से एक नई स्पीसीज बन जाती है। तो ये था आज का टॉपिक। आज हमने डिफरेंस देखा एक्वायर एंड इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में। एक्वायर ट्रेट ओरिजिन में एनवायरमेंटल होते हैं, जबकि इनहेरिटेड ट्रेट जेनेटिक होते हैं। एक्वायर ट्रेट का जो डेवलपमेंट होता है हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है, जबकि इनहेरिटेड जो है हम पेरेंट्स से गोट करते हैं। एक्वायर ट्रेट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई रोल नहीं होता है, जबकि इनहेरिटेड ट्रेट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही रोल होता है। एक्वायर ट्रेट इंडिविजुअल की डेथ के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जबकि इनहेरिटेड ट्रेट ख़त्म नहीं होते हैं। एक्वायर ट्रेट का एग्जाम्पल ऐसे प्लेइंग गिटार, और जबकि इनहेरिटेड ट्रेट का एग्जाम्पल कर्ली एंड स्ट्रेट हेयर। उसके बाद हमने डार्विनिज्म के बारे में देखा। डार्विन जो एक नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने अपनी बुक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और थ्योरी दी नेचुरल सेलेक्शन। डार्विन ने बताया कि प्रत्येक स्पीसीज अपने एक्सिस्टेंस को बचाने के लिए और प्रोडक्शन करती है, और बेटर एडाप्ट करने के लिए कुछ वेरिएशन डेवलप करती है, और वे वेरिएशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं धीरे धीरे कि एक न्यू स्पीसीज बन जाती है, और नेचर सिर्फ उसी को सिलेक्ट करती है जो बेटर तरीके से एडाप्ट कर पाते हैं बदलते हुए एनवायरनमेंट के प्रति। तो ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।